हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं और मेरे साथ ये देखवा रहे तारा साहब हैं। ये ओहो, तो अभी यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं आज दिखाता हूँ आपको रात को दिल्ली का व्यू कैसे दिखता है, रोडों पे कैसी एकदम जहर वाला व्यू दिखता है और रात को गुरुद्वारा कैसा दिखता है। जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे गुरुद्वारा भी पड़ता है रास्ते में, तो मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा। और ये गुरुद्वारा है सत्य निकेतन। तो आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, उत्तराखंड वाला कपिल। तो चलो बाय बाय तारा सेब, तो चले गए उधर के लिए। तो मुझे जाना अभी बहुत दूर, यहाँ से जाऊँगा मैं बस में। ओहो, आप देखते रहिए मैं ब्लॉग में रात का नज़ारा, रात का व्यू कैसे दिखता है शानदार। और गुरुद्वारा आने वाला है, बस 5 मिनट का रास्ता। यहाँ से देखो, यहाँ से व्यू कैसे दिखता है रात को, गाड़ियाँ रोड पे जाती हुई एकदम जहर व्यू। ये देखो दोस्तों, ये है मॉल, आरकेपुरम का मॉल। वाओ, ये निकली मेरी बस सी वाली, ये वाली एसी वाली बस है ये वाली, और वो नॉन एसी। ओहो, फिलहाल तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अपने मंजिल पे। वाह, मज़ा आता है रात को सफ़र करने में दिल्ली में। थोड़ा मैं पहले यहाँ रोड क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे बहुत रात को एकदम इतने फास्ट से आती हैं गाड़ियाँ, क्या ही बोलूँ मैं आपको। ये देखो, ओ मार मत दियो भाई, उड़ा देते हैं रात को गाड़ियों वाले 100 की स्पीड से आगे। कोई इधर से आता पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ रहा है। ये देखो सामने से आ रहा है। दोस्तों अपनी मंजिल तक पहुँच चुका हूँ मैं, देख पा रहा पूरा 1 घंटा लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और यहाँ अभी 1 घंटा अभी हो रहा है, 10:45 बताओ यार, 45 मिनट में पहुँचा मैं यहाँ। 1-1 घंटे में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हम लोग। और ये मार्केट ऐसी है, रात हो दिन हो भीड़ ही रहती है यहाँ।
रात को अगर तुम 2 बजे भी चलोगे तो ऐसी ही रहेगी मार्केट, कोई ना कोई जाता रहता है इस मार्केट में। आखिरकार पहुंच गया हम मंजिल पे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग, रात का व्यू कैसे दिखाया मैंने आपको दिल्ली का, एकदम जहर वाला व्यू। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।